जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है राजेंद्र, आप देख रहे हैं PR के अनबॉक्सिंग YouTube चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंगाल में 3 फरवरी से खुलेंगे स्कूल कॉलेज, विमान सेवाएं भी होंगी शुरू, जाने क्या क्या है हटाई गई पाबंदियां। दोस्तों पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड प्रबंधनों में कई छूट देने की सोमवार को घोषणा की। इसके साथ ही 3 फरवरी से राज्य में स्कूल कॉलेज भी फिर से खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल 8वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होगी, साथ ही 5वीं से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फिलहाल पढ़ाई शिक्षालय के माध्यम से पढ़ाई की जाएगी। इसके साथ ही मुंबई और दिल्ली से अब सप्ताह में 3 दिन की बजाय प्रतिबंध विमान सेवाएं फिर से संचालित करने का फैसला लिया गया है। बिटनर से विमान सेवाएं पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। ममता ने कहा है कि कोरोना के मामलों में कमी के बाद यह फैसला किया गया है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बंगाल सरकार ने अमेरिकन से सबसे ज्यादा प्रभावित बैठने से बंगाल के बीच 3 दिसंबर से विमान सेवाएं पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही दिल्ली व मुंबई से कोलकाता के बीच विमान सेवाएं को भी समाप्त में सप्ताह में 3 दिन नियंत्रित कर दिया था। इस पर से अब रोक हटा लिया गया है। अब इन शहरों के बीच रोजाना विमान सेवाओं की अनुमति होगी। इसके अलावा अब सरकारी व निजी कार्यालयों में कर्मचारी को उपस्थिति की सीमा भी 50% से बढ़ाकर 75% कर दी गई है, यानी 75% कर्मचारी क्षमता के साथ अब काम हो सकता है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही बताया है कि रेस्टोरेंट में भी उपस्थिति 75% कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा है कि राज्य में लागू कोविड प्रतिबंध को 15 फरवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, हालांकि इसमें काफ़ी छूट दी गई है। उन्होंने कहा है कि जीवन व जीविका भी जरूरी है, इसके लिए कई चीज़ों में छूट दी गई है। ममता ने कहा कि प्रदेश में सिनेमा हॉल की क्षमता 50% से बढ़ाकर 75% कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि रेस्टोरेंट और बार भी 75% क्षमता के साथ खुले रह सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे हाल जहां स्पोर्ट एक्टिविटीज 50% क्षमता के साथ हो रही थी, वहां भी अब 75% कैपेसिटी के साथ हो सकती है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि 3 फरवरी से 8वीं कक्षा से स्कूल खुल रहे हैं। 4 और 5 फरवरी को सरस्वती पूजा भी है, बच्चे सरस्वती पूजा में भाग ले पाएंगे। बता दें कि लंबे समय बाद 8वीं कक्षा के स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके पहले पिछले साल दुर्गा पूजा व दिवाली के बाद केवल 9वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल खोले गए थे। हालांकि बढ़ते मामलों के कारण कुछ समय बाद ही स्कूल कॉलेजों को फिर से बंद करना पड़ा था। वहीं राज्य में कोरोना के मामलों की कमी के बाद स्कूल और कॉलेज को खोलने के लिए मांग हो रही है। इसके बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। जय हिंद वाहिनी शुरू करने को मंजूरी। इसके साथ ममता ने कहा है राज्य मंत्री बैठक में स्कूल में जय हिंद वाहिनी शुरू करने का भी फैसला किया गया है। इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा है कि स्कूल में अब जय हिंद वाहिनी का गठन किया जाएगा। आज़ादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में उन्होंने आदर्श के तहत इसका संगठन किया है।